Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sheetal. Happy birthday to you. Happy birthday. Andri Devan. केक तो बहुत अच्छा था, अब जरा तुझे भी चखूं। ये बहुत खड़ूस है सर। खाता इससे खोलता हूँ, घुंघराले बाल, इसे धोकर बदल देता हूँ इसकी चाल, इसे मारकर डेफिनेटली टॉन बनूंगा। अरे चंदू, अरे रुको, क्या कर रहा है यार भाई? उठ उठ उठ। अरे जितनी लगी नहीं उतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, जा बाहर गन्ने वाला है, बर्फ लेके सेक ले। एक केचुए के बाद अपनी हवस संभाल। ए, तेरी तारीफ? बंदा तारीफ बाद में बताता है, पहले दुश्मनों की मौत की तारीख तय करता है। पहले बता तू कौन है चिपकली के अंडे? क्यों बे, मगरमच्छ की आंखें निकाल के लगाई है क्या? तेरी तो पहले मैं बार टेंडर का ही काम करता था, नासिक हाईवे पे 2 साल, नवसारी में 1.5 साल, भटिंडा में 6 महीने, फिर चेरापूंजी के जंगलों में मैंने बकरियां भी चराई। खानदानी मजदूर हूँ, शराब से दूर हूँ, ये ले पकड़। आपके बेटे की किसी ने बहुत बुरी तरह धुलाई की है। नमस्ते दुगल साहब। नरसिंह, ये किसने किया? किसी चंदू नाम के डॉन ने आपके बेटे की पिटाई की, उसे ठिकाने लगाने के लिए मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। आपका बेटा सिर्फ उसकी आवाज पहचान सकता है, उसकी शक्ल नहीं। बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ कर उसे खत्म कर दूंगा। पहले प्रवीण को जल्दी से जल्दी यहाँ भेजो और बिना समय गवाए उस आदमी को मौत के घाट उतार दो। समझ गया दुगल साहब, नमस्ते। महंगा पड़ेगा मेरे बेटे पे हाथ उठाना, उस चंदू को महंगा पड़ेगा। अभी अभी सूचना मिली है कि रेट्रो पब में हुई मारपीट का कारण कोई डॉन चंदू है। डॉन चंदू ने जिसको पीटा उसका नाम है प्रवीण दुग्गल और वो एक बड़े बिजनेसमैन नवीन दुग्गल का सुपुत्र। अंडरवर्ल्ड में खाता खुल गया। डॉन चंदू का प्रवीण दुग्गल को मारना सही था या गलत, यस या नो लिखकर 50505 पर SMS करें। देखा भाई, बिना इलेक्शन में खड़े हुए तेरे दोस्त को वोट मिल रहे। लोग हजारों वीडियो बनाने के बाद वायरल होते, तू तो बिना वीडियो के वायरल हो गया, मशहूर हो गया तेरा दोस्त। वो तो ठीक है, पर देरी इस कारनामे के बारे में जिसे मालूम पड़ना चाहिए था उसे पता चला? तू संदेश पहुंचा दे। उसकी जरूरत नहीं, मैंने बता दिया डिटेल में। किसको बता दिया? शहर में किसके चर्चे हैं? डॉन नरसिंह के। इसलिए भूचाल से बात की। उन्होंने ऐसा उल्टा क्यों किया? अरे यार, उड़ते हवाई जहाज पर कदम रखने से अच्छा है डूबती कश्ती में पैर रखूं। आने दे उन्हें। ए, तुम में से चंदू कौन है? ए बकरी है क्या तू? लगता है यही है।
डॉन चंदू तुम ही हो क्या? पढ़े लिखे गुंडे लगते हो, आओ चाय पियो। भाई ने चाय पे बुलाया, इन्हें भी पिलाओगे ना? चाय से एसिडिटी होती है। चाय पीनी ना हो तो ठीक है, काढ़ा पी लेना। तुम लोग भी आ जाओ। काश मैं चंदू की गर्लफ्रेंड होती तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती, मुझे वो बहुत पसंद है। एक ही दिन में इतना मशहूर हो गया? क्या मस्त चुना लगा है, और दीवार पे महिलाओं की पेंटिंग भी मस्त है। कल के बेटे को क्यों धोया? ये बात मैं भूचाल को बताऊंगा, उनके चमचों को ने क्या बात करता है। ए, मैं ही भूचाल हूँ। हुजूर, गुस्ता की माफ। भूचाल नाम सुनकर लगा आप 7-8 फीट के होंगे। आपका साइज तो इतना सा है, पर सबको हिलाते अच्छा हो। हाँ ठीक है, उसको मारा क्यों ये बता? नामचीन बनने के वास्ते। दुश्मनी के लिए मारता सुना है, पेमेंट के लिए भी मारता सुना है, नामचीन बनने के लिए कौन मारता है? दुश्मनी की खातिर मारना इमोशन है, पेमेंट की खातिर मारना प्रोफेशन है। तू अपना बता। एम्बिशन, मैं डॉन बनना चाहता हूँ। डॉन बनने के लिए तो किसी को भी ठोक देगा क्या? किसी को भी, तेरे को भी ठोक सकता हूँ। घोड़ों को अस्तबल में रखो, उसको मार के मुझे फोन क्यों किया? अब मुद्दे की बात की ना, जब ट्रेन से आ रहा था ना, तब मैंने सब गूगल कर लिया था। तेरे मुकाबले नरसिंह का दबदबा बहुत ज्यादा है, अगर मैंने अपना हाथ तेरे पे रख दिया ना तो तेरा वजन भी बढ़ जाएगा। तुझे क्या लगता है, तेरे जैसे छपरे को भाई अपने साथ रखेंगे? ए, मेरे को बताया कि तू भूचाल का बनियान और जांगिया इस्त्री करता है। ए! यार ए, ये एक प्लेट तू कब से इस्तेमाल कर रहा है? ठोक दूंगा। बॉबी नो नो, कंट्रोल कंट्रोल। तेरा दिमाग, तेरी स्टाइल, तेरा डेयरिंग, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज में फेल है तू। वो क्या? तेरे को मेरे गैंग में शामिल करने के बजाय तुझे टपका डालना ही मेरे लिए फायदेमंद होगा। पता है क्यों? वो नरसिंह दुग्गल के सपोर्ट से ही उड़ रहा है, और तुझे ठोक के मैं दुग्गल का खास बन जाऊंगा। चल अभी हिलना मत। ए दुग्गल को लगा तो? लगाता हूं भाई। नमस्ते दुग्गल जी। बताओ क्यों फोन किया? आपके ही फायदे के लिए फोन किया दुग्गल साहब। माना कि आपका डिपार्टमेंट नर्सिंग संभाल रहा है, लेकिन मेरे जलवे क्या है वो सुनना चाहेंगे? आपके सुपुत्र को जिसने धोया वो मेरे सामने खड़ा है। मार दो उसे अभी, फोन पर मुझे उसकी चीखें सुनाओ, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। मर गया, मार दिया ना उसे पूरी तरह से। शाबाश भूचाल, आज के बाद से तुम भी मेरे लिए काम करोगे। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? आपने कह दिया वही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। आपके आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, ये तो सिर्फ एक नमूना है। तो के पास हटाओ रे इसको। अरे इसे क्यों मारा? इतने दिनों से खाता मेरा था सेवा नर्सिंग की करता था, इसीलिए कम कर डाला। दुग्गल को ये जता दिया कि उसके बेटे को धोने वाले को ठोक डाला, अब तुम्हारे सपोर्ट से उस नर्सिंग की कबर खोद डालूंगा। मतलब इस बेरोजगार को रोजगार मिल गया? वो भी फिक्स में। आज से कुछ दिनों के लिए तुम डॉन चंदू नहीं हो, सिर्फ चंदर। मुझे मंजूर नहीं, आपकी गैंग में मत लो, लेकिन नाम मैं नहीं बदलने वाला हूँ। तेरे को पोस्ट चाहिए कि नाम चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों? पोस्ट चाहिए तो कुछ दिनों के लिए, नाम कुर्बान करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके लाल बादशाह, ठीक है। वैसे भी नाम में क्या रखा है, एडजस्ट कर लेते हैं। चलेगा। ओके तो ऐश कर, जो चाहिए बोल देना। आपके गॉगल्स चाहिए। वो काय को? क्योंकि उस पे डी लिखा है ना, डी मतलब डॉन। वो पाइप भी चाहिए। उस पे डी कहाँ लिखा है? मैं लिख लूंगा। चिलम के लिए कोयला भी खरीदना है, चलो। ये क्या भाई, आप उसे अच्छे से जानते भी नहीं और उसे गैंग में शामिल कर लिया? ए, तुम लोग के दिमाग में भूसा भरा हुआ है और मेरे दिमाग में सूखा मेवा, उसके धुएं में भी डॉन लिखा हुआ है। देख, अबे देखना। आज उस भूचाल ने मुझे मात दे ही दी, जो शिकार मैं करने वाला था वो उसके हाथ लग गया। ये अच्छी बात नहीं है, भूचाल को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जो हुआ भूल जाओ। मेरा पत्ता कट करके दुग्गल के साथ अपनी सेटिंग कर ली उसने। अच्छा गेम खेल गया भूचाल, दुग्गल साहब की नजरों में मुझे नीचा गिराकर खुद को ऊंचा कर लिया। भूचाल की इन हरकतों के पीछे किसका दिमाग है ये पता लगाना होगा। ये तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट, कल जर्मनी के लिए निकलो। हाँ?
जर्मनी? आप महान है भाई, पहला काम विदेशी। वहाँ क्या करना है? चोरी करनी है, डाका डाला या मर्डर? मैंने सब कोर्स किए बॉस। इनमें से कुछ भी नहीं करना। तो फिर लव करना। लव? प्रेम तो मैं आपसे करता हूँ ना। मैं वैसा नहीं हूँ, नर्सिंग की बहन से करना है, वो जर्मनी में पढ़ती है, उसकी बहन उसकी जान है और वो खुद से ज्यादा उससे प्यार करता है। अब तू क्या कर, उसकी बहन को पहले पटा, फिर उसके बाद उसको धोखा दे, और सदमे से वो नर्सिंग खुद ही मर जाएगा। डॉन कैसे प्यार कर सकता है, मैं नहीं करूंगा। डॉन बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, तो प्यार करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने बहुत से डॉन देखे जो गुलू गुलू करते हैं। डॉन फिरोदी का फोन करता है, प्यार नहीं। अरे क्या बात कर रहा है, डॉन का दिल नहीं है क्या? डॉन ने प्यार किया था, भले वो डुप्लीकेट था। ये ऊपर किसको देखता है? हाँ चला जाऊंगा, लेकिन एक और टिकट चाहिए। किसके लिए? डॉन कभी अकेला नहीं होता, वो दुकेला होता है। बॉबी इसकी सेटिंग करा देना, उस लड़की की इन्फॉर्मेशन इसके पास है, ये सब संभाल लेगा। ठीक है, आभार। चलो। ये क्या जीजा जी, इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए आपने इसको क्यों चुना? अबे बैल की दुम, कल टीवी पर नहीं देखा क्या? लड़कियां इसकी फैन है, तभी मेरी घंटी बजी। ऐसी सेटिंग की है ना, नर्सिंग डिप्रेशन के मारे खुदकुशी कर लेगा। ये लो बोर्डिंग पास, चलो। बहुत कंजूस है ये महाशय, हमारे साथ क्यों चल रहा है? अरे लड़की को यही पहचानता है, उससे यही मिलवाएगा, चल। अच्छा, ऐसा क्या? हम हॉलिडे पे नहीं, मिशन पे जा रहे हैं। बाप रे, मिशन पे? मैंने पिक्चरों में देखा है, मिशन पे जाते दो लोग हैं, पर आता एक ही है। यही तो मित्रता है। नर्सिंग की बहन उसी कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज बाहर से इतना सुंदर है, तो वो अंदर कितनी सुंदर होगी। श्रीमान हट जाओ, नहीं तो कौवे का शीट गिरेगा। नहीं गिरेगा। कौवा शीट के लिए लोग दुआएं मांगते हैं बे, कौवे का बीट लकी होता है। मुंह बंद कर। वो जो आ रही है वही नरसिंह की बहन है। वो उछलते बाल वाली क्या? हाँ। इसका ड्रेसिंग सेंस तो मन भावन है, कमर 26, चेस्ट पावन है। लाल काले भूरे, कितने रंगीन बालों की कन्याएं हैं, एक से दो होने का मन कर रहा है। हाय, पास में मंदिर है क्या? शादी है। Hey Debs, this is for you. Huh? ओ बदबूदार है। बदबूदार? देख लिया? देखा देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, आसपास वाली को भी देखा, फिर भी मन भरा नहीं है। सुनो, भूचाल भाई को पटाना आसान था, इसे नहीं। मैं सीता गीता की कसम खाता हूँ, जब तक इसे पटा नहीं लेता ना अपने हेयर डाई करूंगा ना हेयर कट करूंगा, ये मेरा खुद का खुद से वादा है। ये क्या? गोल्ड कार्ड, कितना भी खर्च कर सकते हो। शक्ल गंदी है पर दिल का बड़ा अच्छा है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो भूचाल भाई डबल वसूल करेंगे। हम गरीबों के पास दो जोड़ी चड्डी की सेवा कुछ नहीं, वसूल क्या करेंगे? जान है ना। अरे यार बॉबी, उल्टी पैदाइश है क्या, उल्टी बातें करता है। मैं ऐसा ही हूँ, तेरी शक्ल पे ही भाई वाला टैग लगा है, तुझसे कोई नहीं पटेगी। अबे तू वो भवरा है जो किसी भी फूल का रस चूसने जाए तो फूल मुरझा जाए। चल निकल यहाँ से। जाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जल्दी बोल। जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो 15 दिनों में इंडिया वापस आ जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिनों का टाइम है, याद रखना। जल्दी निकल वरना प्लेन में खड़े खड़े जाना पड़ेगा। सुबह सुबह इसका मुंह देख ले तो बनता काम बिगड़ जाए। अच्छा जर्मन शेफर्ड, तेरी शक्ल उस नस्ल से मिलती है। ए तू खुश तो है ना कि तेरे दोस्त ने इतना अच्छा नामकरण किया, इसे स्वाइप करके उसे वाइफ बनाता।